11 उपचार जो बढ़ाएंगे आपके सेक्स हॉर्मोन्स, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई में अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सेक्स हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। वो यदि कम होता है, बहुत ही कम, तो उससे हाइपोगोनेडिज्म आता है, जिसमें पुरुषत्व जो है वो दिखता नहीं है। फिर जैसा मोटा आवाज, पुरुष जैसा होना या सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना, तो वो होते नहीं है और आदमी सेक्स करने के लायक नहीं होता है या बच्चे होने के लायक नहीं हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन कम है तो उम्र के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम कम होती जाती है। अभी वो नहीं कम होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए हम कुछ नेचुरल इलाज या कुछ आसानी से कुछ दवाई वगैरह लेके उसका इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से उपचार हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नॉर्मल लेवल क्या है। नॉर्मल लेवल है 270 से 1070 नैनोग्राम पर डीएल, 270 टू 1070 एनजी नैनोग्राम पर डीएल डेसीलीटर। एवरेज जो है वो 679 नैनोग्राम्स पर डीएल है एवरेज लेवल। अब 270 से नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम है, वो नीचे जाने को नहीं होना। जब नॉर्मल है और नीचे जाने को होना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो बता रहा हूं। नंबर एक, रेगुलर एक्सरसाइज, दौड़ने की एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज, मिनिमम 40 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। नंबर दो, प्रोटीन ज्यादा खाना। प्रोटीन यदि आप ज्यादा खाते तो मसल मास अच्छा बिल्ड होता है, और प्रोटीन्स आपके नॉनवेज में बहुत ज्यादा है, और वैसे ही आप पनीर में खा सकते हैं। जो एगेटेरियन है वो अंडा भुर्जी, ऑमलेट, अंडा बॉइल्ड एग, उसमें खा सकते हैं। फिश में बहुत ज्यादा होता है। इधर काजू, बादाम, पिस्ता, इसमें ज्यादा ले सकते हैं आप। तो प्रोटीन ज्यादा खाने का है। नंबर तीन, तनाव कम करना पड़ता है, स्ट्रेस लेवल्स। क्योंकि स्ट्रेस लेवल यदि ज्यादा है तो आपका स्टीरॉयड सिक्रेशन ज्यादा होता है, और स्टीरॉयड सिक्रेशन ज्यादा रहा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आती है। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करना है तनाव के लिए, सम्मोहन उपचार करना है, हिप्नोसिस, और खुश रहना है। नंबर चार, विटामिन D3 लेवल्स यदि वो कम है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, तो उसके लिए आप टेबलेट्स ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। नंबर पांच, 7 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। जो लोगों की नींद कम है, कम हो जाती है, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाई गई है। तो 7 से 8 घंटा नींद, और वो भी साउंड स्लीप। नंबर छह, कॉफी या चॉकलेट का सेवन करना। कॉफी चॉकलेट जो है वो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते लेवल्स। साथ आपकी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होना चाहिए। लाइफस्टाइल हेल्दी मतलब आपको हॉबीज है, आप सोशल लाइफ में इन्वॉल्व है, आप लोगों में ज़्यादा जाते हो, खुद को खुश रखते हो, फिर ड्रिंक्स नहीं, स्मोकिंग नहीं, ये मतलब बैड हैबिट्स नहीं है आपको कुछ, तो इस तरह का एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल है तो उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छी रहती है। फिर आठ, आपका वजन एकदम कंट्रोल में रहना चाहिए। जिनके बहुत ज़्यादा बॉडी फैट्स होते हैं, वजन बहुत ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। नंबर नौ, जिंक लेवल ब्लड में 11 मिलीग्राम पर डे आप जिंक खाते हो तो वो लेवल मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन की। नंबर 10, शुगर कम खाना। जितनी कम खा सकते हो उतनी शुगर कम खाओ। शुगर बोले तो ये व्हाइट पॉइजन है, ये सफेद पॉइजन हम रोज खा रहे हैं। ये व्हाइट पॉइजन से 25% टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है। तो शुगर जितनी कम खा सकते हो उतनी कम खाओ, और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें आ गए, जो बहुत ज़्यादा चावल में, रोटी में है, और मीठा, मिठाई में ज़्यादा है, और शुगर बहुत ज़्यादा मीठा खाना, शुगर मिठाई खाना, ये कम करना चाहिए। और नंबर 11, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंजेक्शन लेना टेस्टोस्टेरोन के, टेबलेट्स लेना टेस्टोस्टेरोन की, पैचेस लगाना, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 11 उपचार है जिससे आप आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं, आपका उसमें लिबिडो अच्छा रहेगा, सेक्सुअल डिजायर अच्छी रहेंगी, और बाकी भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, ताकि जिनकी उम्र बढ़ते जा रही है उनको डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से प्रॉब्लम आते हैं, तो वो अपनी लेवल मेंटेन कर सके, अपना लाइफ एंजॉय कर सके। थैंक यू। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।